और चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की। आज विधायकों का प्रशिक्षण कार्यशाला है, एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। और ये देखिए विधानसभा की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीर में जरा देख लीजिए कि आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे होंगे। और आपको बता दें कि ये नन्हे पौधे कदाचित पतझड़ और बसंत के माध्यम से जीवन के धूप छांव का जीवन दर्शन सिखाते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब शाब्दिक स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से, कृपया अपना स्वागत संबोधन व उद्बोधन प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान की माटी के लाल किसान पुत्र और हमारे गौरव सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रहे, राजस्थान की इसी विधानसभा से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पश्चिमी बंगाल के प्रभावशाली माननीय राज्यपाल रहने वाले और वर्तमान में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, जिन्होंने राज्यसभा में संसदीय परंपराओं का पालन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे माननीय जगदीप धनखड़ महोदय आज आप पधारे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो गरीब परिवार से पैदा होकर के और इतनी बड़ी ऊंचाइयां इन्होंने अपने जीवन में छुई हैं और जिनका हमको राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व करने का अवसर मिला है, ऐसे माननीय भजनलाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ इस विधानसभा में। साथ ही मैं राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त विधायक महानुभावों की ओर से लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हृदय की गहराइयों से भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, राजस्थान के गौरवमयी इतिहास में आप लोगों का नाम पंच पटेलों के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलनों में सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व रहा है। विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षण और संवर्धन का माध्यम है। भारत में पंच परमेश्वर की मान्यता प्राचीन काल से रही है और आज के पंच परमेश्वर आप और हम हैं। ये तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें राजस्थान की देवतुल्य जनता की सेवा के दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा के साथ करें, यह हमारा सबका प्रयास है। धर्मसभा, राजसभा तथा सभा और समिति वैदिक काल त्रेता और द्वापर में भी प्रचलित थी। आज के समय में यह हमारी विधानसभा उन्हीं धर्मसभा, राजसभा और सभा समितियों की परंपराओं के अनुसरण में प्रचलित है, जिसकी न्याय, सत्य और सद निर्णय की समस्त जिम्मेदारियां हम सबकी साझी है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम की एक एक प्रति आप सबको मिल रही है, जिससे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, माननीय सभापति और अध्यक्ष के दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी आप सभी का हो। विधानसभा के आह्वान से लेकर के चलने वाली प्रक्रियाओं, बैठकों, स्थगन तथा अवसान तक की जानकारी आप सभी को रहे, इस दृष्टि से
यह हमने आज का यह प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है। राजस्थान के 16वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए एक दिवस के प्रबोध कार्यक्रम का आयोजन इस अनुसार किया गया है। प्रथम बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी आयोजित होंगे, जिनसे सदस्यों की विधानसभा की विशिष्ट प्रक्रिया से वो परिचित हो सकेंगे। सदन में मुद्दे उठाने की प्रक्रिया, विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, विधायकों के विशेषाधिकार आदि विषयों पर आज होने वाले सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, सदन में आचरण एवं संसदीय परंपराएं, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल, संसदीय प्रस्ताव की जानकारी विधायकगण को होना आवश्यक है, इसलिए प्रबोधन का कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। प्रबोधन कार्यक्रम केवल नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा की विशिष्ट कार्यप्रणाली से परिचय होने का अवसर तो है ही, लेकिन साथ में पुराने विधायक जो समय समय पर बीच बीच में आए और गए, उनका भी एक बार स्मरण करने की आवश्यकता अनुभव कई बार होती है। इसलिए मैं समझता हूँ ये प्रबोधन कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत ही लाभदायी और उपयोगी रहेगा। विधानसभा कार्यप्रणाली में पारंगत होने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक समय सदन में उपस्थित रहना होगा। विधायकगण जितना अधिक समय सदन में देंगे उतना ही उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, वे विधायी कार्यों में निपुणता हासिल कर पाएंगे। सफल विधायक बनने के लिए विधायकगणों को विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। शालीनता, मर्यादा और श्रेष्ठ परंपराओं को सदन में देखकर विधानसभा की प्रोसीडिंग्स का अध्ययन करके कई बातें सीखी जा सकती हैं। यहाँ हम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें जनहित के मुद्दे नियमों के तहत उठाने होंगे। साथ ही सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत करना होगा जिसका संदेश सभी लोगों के मध्य सकारात्मक हो। सदन में जनप्रतिनिधिगण जनहित के विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, उस पर निर्णय लिया जाता है। सदन में सदस्यों को सार्थक एवं प्रभावी भागीदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। इस विधानसभा में कार्रवाई का YouTube पर सीधा प्रसारण किया जाता है। प्रसारण को आमजन देखते हैं तथा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के व्यवहार तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के तरीके का भी वे आंकलन करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह और अपेक्षा है कि अपना व्यवहार शालीन रहना चाहिए। सदन में सद्भावपूर्ण वातावरण में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद न हो कि भावना से अपना कार्य व्यवहार बनाना चाहिए। मैं आप सभी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूरा समय उपस्थित रहकर लाभ उठाएं, यह आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।